नमस्ते किसान भाइयों, हमारे किसान ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और राजस्थान की खेती के बारे में मैं आपको हमेशा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताता हूं। ये आप देख सकते हैं कि ये फार्म पौंड है और हमारे राजस्थान में फार्म पौंड से सिंचाई की जाती है, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है और इस वजह से किसान भाई ऐसे फार्म पौंड बनाते हैं और इससे फिर सिंचाई करते हैं। तो ये राजस्थान की एक बहुत ही शानदार तकनीकी है, इसमें कुछ अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है और ये बहुत ही शानदार प्रॉफिट वाली खेती इससे बच जाती है, क्योंकि इसमें वर्षा जो जल है वह संग्रहण किया जाता है और फिर किसान भाई अपने खेतों में काम में लेते हैं। तो यह जो तकनीकी है वह राजस्थान में है। आपके भी अगर पानी की कमी है तो ऐसा आप फार्म पौंड बना सकते हैं और उससे सिंचाई कर सकते हैं। हम इस फार्म पौंड की पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे, किसान भाई से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे ताकि इसकी लागत कितनी आई, क्या इसमें फायदे हैं, वो सब आप जान पाओगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इस फार्म पौंड की पूरी जानकारी के बारे में पता चल सके। आइए हम बात करते हैं किसान भाई से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे किसान ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं राजू कुमार, यहाँ रोजदा गांव का निवासी हूँ और यहाँ अपने खेती है, तो खेती बो रखी है। अभी बाजरा आजरा लगा रखा है, पर समस्या ये है कि पानी की बहुत बड़ी विकट समस्या है, तो इसी चक्कर में मैंने ये फार्म पौंड खुदाया है। तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इस फार्म पौंड से जो आपने खुदवाया है वो उससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि अपने जैसे बोरिंग का पानी बहुत कम हो गया है और प्रॉपर मोटर पानी नहीं देती है, और इसमें बरसात का पानी स्टोरेज हो जाएगा, तो बरसात का पानी उच्च क्वालिटी का रहेगा और उसके बाद इससे फुहारा भी बढ़िया चलेंगे, 15-16 फुहारे चल जाएंगे। ये बहुत ही उच्च क्वालिटी की पन्नी है और ये 500 माइक्रोन की बनी हुई है और इसमें एक भी बूंद का रिसाव नहीं होगा। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताइए कि यह कितना लंबा चौड़ा है। देखिए, ये लंबाई में 125 फुट लंबा, 80 फुट चौड़ा और 25 फुट गहरा है। देखिए, इस पर कुछ अनुदान भी है गवर्नमेंट की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने पहले ऑनलाइन किया था, उससे नंबर आया मेरा और मैंने ये फार्म पौंड खुद आया। अब आगे जाके कितना सब्सिडी मिलती है, क्या रहता है, वो आगे की प्रक्रिया है। अच्छा, और तो ये फार्म पौंड बहुत ही ज़्यादा गहरा है। किसान भाइयों, आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये गहरा है, 25 फुट के लगभग ये गहरा है। तो इसकी सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे आगे? इसके सुरक्षा के लिए चारों तरफ पे खंभे डाल के इस पर 6 फुट की जाली लगाएंगे, इस पर 3 दिन तार लगेंगे और इसके सेपरेट दोनों तरफ इसमें रस्सा लगाएंगे ताकि कोई अगर बाय चांस कोई गिर भी जाए तो रस्से से उसको बाहर निकाल लिया जाए। अच्छा, तो अब आप इससे जो फार्म पौंड बनवाने से जो लाभ होते हैं उनके बारे में आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहते हो? इससे सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये बहुत ही कारगर सिद्ध है और सबसे मतलब अधिक से अधिक लोगों को ये खुदाना चाहिए। इससे पानी की बचत है और जो बरसात का पानी होता है उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मेरी तो यही सारी है सभी लोगों से कि ये फार्म पौंड खुदाना चाहिए। जिन लोगों के पानी की कमी है और ज़मीन ज़्यादा है तो उन लोगों को फार्म पौंड खुदाना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा है। मेरे 15 बीघा ज़मीन है और ये अगर पूरा बढ़ जाता है तो उससे 2 फसल आराम से उत्पादन हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये फार्म पौंड बनाने में किसान भाई की कितनी लागत आई है, तो किसान भाइयों को बताइए कि इसमें आपकी कितनी लागत आई है? इसमें लगभग 5 लाख रुपये खर्चा है, 3.5 लाख रुपये तो भैया तिरपाल जी पदनी बोलते हैं जिसको ये लगी है और 1.5 लाख रुपये खुदाई का लगा है इसको। तो किसान भाइयों, ये हमने जानकारी ली किसान भाई से और राजू जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने टाइम निकाल के इस फार्म पौंड की जानकारी आपको दी। तो ये आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप किसी भी राज्य से हो, अगर आपके भी वहाँ पे पानी की कमी है तो आप ऐसे फार्म पौंड बना के खेती कर सकते हैं, और अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान सरकार द्वारा इस पे अनुदान भी देय होता है। कितना देय होता है, क्या क्या किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करना होता है, वह अन्य वीडियो आप इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।